बिहटा थाना क्षेत्र के मुसेपुर पंचायत गांव के टोला पर चुनावी वर्चस्व को लेकर देर रात दो मुखिया प्रत्याशियों के पति एवं उसके समर्थकों के बीच जमकर कई राउंड गोलीबारी एवं पत्थरबाजी हुई, जिसमें चुनाव प्रचार में लगे दो वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलने के बाद बिहटा पुलिस पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया और गोलीबारी मामले में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए बिहटा पुलिस गांव में कैंप कर रही है। वहीं फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी में जुट गई है। हालांकि पुलिस को मौके से गोलीबारी का कोई भी खोखा बरामद नहीं हुआ है, लेकिन गांव के लोगों का साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई राउंड गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि घटनास्थल से कोई भी खोखा बरामद नहीं हुआ है, लेकिन गांव के लोगों द्वारा बताया गया है कि कई राउंड गोलीबारी भी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज 24 की रिपोर्ट। हुई है, क्या है पूरा मामला? हम लोग अभी नवरपुर की कॉन्टिंग चल रही थी बेटा में, वहीं पे थे तो मुसेपुर पंचायत से दोनों प्रत्याशियों ने हमें बारी बारी से कॉल किया और दोनों ने एक दूसरे का आरोप लगाते हुए कहा कि सर हमें घेरा जा रहा है यहाँ पे, जिसके बाद हम लोग वहाँ से सूचना मिली कि भाई कुछ लोग गाड़ी वोड़ी भी कर रहे हैं। इसी सूचना पर हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद देखते हैं कि दो गाड़ियाँ जो है क्षतिग्रस्त हैं, कुछ लोग एक घर में छुपे हुए थे, हम उनको लेके गए हैं, हम लोग डिटेल करके जा रहे हैं। बाद में जैसे ही लोग लिख के देखते हैं आगे की कार्रवाई की। क्या लगता है सर, गोली का कुछ खोखा वगैरह बरामद? यहाँ पे तो कोई खोखा का बरामद नहीं हो पाया है। कितने लोग को गिरफ्तार किया गया फिलहाल पूछताछ के लिए? गिरफ्तार नहीं, अभी इन लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया जा रहा है। चार लोग हैं। गाड़ी भी जब्त है सर? हाँ जी, अभी गाड़ी ले जा रहे हैं। कौन लोग हैं वो दो लोग जिनके बीच झगड़ा की बात सामने आ रही है? जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों का खूबसूरत घर लेना तो हमसे संपर्क करें तीज टावर। तो संपर्क करना ना भूलें, गया पटना रोड अपोजिट जेडी गोयनका पब्लिक स्कूल रसलपुर गया बिहार। हमारे YouTube चैनल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।